नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी गाजर आलू मटर की सब्ज़ी। इसे विंटर में ही बनाया जाता है। इसे कई तरीके से बनाते हैं, मैं इसे अपने तरीके से बना रही हूं और इसके साथ बनाऊंगी प्लेन पराठा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। फिर तेल में 1/2 टीस्पून जीरा डाला है। 2 हरी मिर्च को बीच से स्लिट करके डाला है, आप हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसी टाइम पे सूखे मसालों को ऐड किया है, तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून जीरा मसाला डाला है। सबको अच्छे से चला लेंगे। मैंने यहाँ 2 गाजर लिया है, जिसे इस तरीके से काट के डाल देंगे। इसके बाद मैंने 1/2 कप मटर डाला है और अब 2 आलू को मीडियम साइज़ के पीस में काट के डाल देंगे। यहाँ सब्जी को 1 से 1.5 मिनट तक मसालों के साथ अच्छे से भुनेंगे। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने सब्जी में नमक ऐड किया है। नमक को सब्जी में मिलाने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 4 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे। इस बीच में मैंने एक बार सब्जी को चला दिया था, तो अब चेक कर लेते हैं कि आलू मटर गाजर पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए, आलू मटर और गाजर तीनों पक चुके हैं। तो अब मैंने 2 टमाटर को रफली काट के डाल दिया है। आप चाहें तो टमाटर की जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इस सब्ज़ी में मैं टमाटर एंड में डालती हूँ। टमाटर डालने के बाद सब्जी को 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे। तो ये देखिए, टमाटर सब्जी के साथ अच्छे से पक चुके हैं। इस सब्ज़ी में हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे और ये सब्ज़ी अपने मॉइस्चर में पक जाती है। और अब लास्ट में मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला और हरी धनिया डाला है। गाजर आलू मटर की सब्ज़ी तैयार है। तो चलिए पराठे बना लेते हैं। प्लेन पराठे बनाने के लिए मैंने पहले से ही एक नॉर्मल डो तैयार किया है। ये डो गेहूं के आटे का है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। आप चाहें तो इसमें नमक, अजवाइन मिला सकते हैं। अब आटे का एक पोर्शन लेके लोई काट लेंगे। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उतनी बड़ी लोई काटें। तो मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ की लोई ले ली है। लोई को पूड़ी के शेप का बेल लिया है और उसके बाद आटे में अच्छे से ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद इसे चारों तरफ से लेकर इसमें ऐसे प्लेट लगा लेंगे और बीच में लाकर बंद कर देंगे। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लेकर इसे बेलना शुरू करेंगे। इसे रोटी की तरह बेल लेंगे और हर तरफ से बराबर बेलेंगे। प्लेन पराठा 2 तरीके से बनता है, एक गोल और दूसरा तिकोना। तो ये गोल पराठा तैयार है, इसे प्लेट में रख लेंगे। और अब तिकोना पराठा बनाते हैं। लोई को आटे में इस तरीके से डस्ट करने के बाद बेल लिया है, आटे के ऊपर तेल लगा दिया है, फिर एक साइड को दूसरे साइड के ऊपर फोल्ड कर दिया है, उसके ऊपर भी तेल लगा दिया है। फिर इसे ट्रायंगल शेप में बनाने के बाद इस तरीके से बेल लेंगे। बस तिकोना पराठा तैयार है। तो चलिए पराठों को सेक लेते हैं। तवा गरम हो चुका है, तो अब उस पर पराठा डाल देंगे। पराठे को 15-20 सेकंड के बाद पलट देंगे। पलटने के बाद गैस की फ्लेम बढ़ा देंगे और अब पराठे पर तेल लगा देंगे। मैंने रिफाइंड तेल का यूज़ किया है, आप चाहें तो घी या बटर भी लगा सकते हैं। अब पराठे को दोबारा पलट देंगे और दूसरे साइड भी तेल लगा देंगे।
स्पैचुला से दबा दबा कर सेक देंगे ताकि पराठा लाल लाल हो जाए और अच्छे से पक जाए। ये देखिए राउंड शेप का प्लेन पराठा तैयार है। तो अब इसे बर्तन में निकाल लेंगे और दूसरा पराठा सेकेंगे। तो दूसरा पराठा तिकोने शेप का है, इसे तवे पे डाल दिया है और 15-20 सेकंड के बाद इसे फ्लिप कर देंगे। साथ ही गैस की फ्लेम बढ़ा देंगे, स्पैचुला से इसे दबा दबा कर सेकेंगे और इसके ऊपर रिफाइंड तेल लगा देंगे। पराठे को पलट देंगे और दूसरे साइड पे भी रिफाइंड तेल लगाएंगे। इस तरीके से उलट पलट करके पराठे को अच्छे से सेक लेंगे और ये ट्रायंगल शेप का प्लेन पराठा तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे पराठे बना लूँगी। पराठे तैयार हो चुके हैं तो इसे गाजर आलू मटर की सब्जी के साथ सर्व कर लेते हैं। ये सब्जी दाल चावल और दाल रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसे ब्रेकफास्ट में बनाया है इसलिए मैंने इसके साथ पराठे सेके हैं। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।